ये पुस्तक है भोपाल अभी वो शायरों की खुशकिस्मती है, बल्कि अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब इकबाल लाइब्रेरी की भी खुशनसीबी है कि वो लम्हा आ पहुँचा जब हम चाहते थे कि इस लाइब्रेरी में वो शख्सियत तशरीफ लाए जिसका एक जबान से ये लाइब्रेरी बनकर देखती है। अल्लाह का शुक्र एहसान है और मैं खासतौर से नुसरत नेकी साहिबा का मामनून करम हूँ कि उन्होंने मुझे और इस लाइब्रेरी को उनसे मुतारिफ कराने के मौके पर आम किए। तभी आबिद साहब तो किसी मुतारिफ के पता ही मुताज नहीं है। एक जमाना उनकी शख्सियत, उनकी अहमियत, उनकी अहियत और उनके जफाकश कामों से बखूबी बात है। अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि तभी आबिदी साहब यहाँ पहली बार तशरीफ लाए हैं तो मैं रफन बनता है कि इस लाइब्रेरी के प्रयास से और इसके कामों से उनको बता दे पा। शाहिर मशरक अल्लामा इकबाल की रहलत 1938 में लाहौर में हुई, जहाँ हम सब हजार राजीव मौजूद थे, और ठीक 18 महीने बाद यहाँ के जाले सपूत आसिफ शाहमीरी साहब के दिल में ये ख्याल आया कि उनके नाम नामी ग्रामीण से यहाँ कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जो ताहया ताउम ताजमाना कायम दायक रहे। आसिफ शाहमीरी साहब इन मामला की बहुत बेबा और शोला परस्त इंसान थे। उनके साथ मोहम्मद अलियार साहब, अब्दुल रजीब साहब, हकीम अब्दुल मन्नान साहब और मास्टर नदीर अहमद साहब, ये सभी और दीगर लोगों उनकी हम नवाई में एक छोटी सी जगह से पाने जरा और जरफ़ कलीम से इनसे राय की बुनियाद यकुम अक्टूबर 1979 पर रखी गई। आज इस डायरी के प्रयाम को 87 साल हो चुके हैं। इब्राहिम प्रेस ने इस डायरी को 2001 में यहाँ मुंतकिल किया गया और हमारे चहीते मोहतरम आर्य फकीर साहब ने इस लाइब्रेरी के प्रयाग को कायम रखने के लिए यहाँ ये इमारत तामीर करवाते पूरी लाइब्रेरी को यहाँ मुंतकिल कर दिया। 1939 से आज 2023 तक ये लाइब्रेरी बदतरीन तारीखी इकदाम तालीमी इरतका और रिसर्च स्कॉलर की खिदमत अंजाम देती चली आ रही है। इस वक्त मौजूदा हालात में अच्छा सबसे अहम बात यह है कि 1939 में यानी आज़ादी से कब्ल पूरे हिंदुस्तान में इस लाइब्रेरी के अलावा कोई इदारा अल्लामा इकबाल के नाम से कायम नहीं हुआ। जो कायम हुए हैं इदारे वो 1947 के बाद ही हुए हैं, उससे पहले कोई भी नहीं था। रियासत भोपाल में हमीदिया लाइब्रेरी जरूर मौजूद थी, लेकिन वो रियासत की लाइब्रेरी थी जो अब मुंतकिल होकर सेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से आज भी मौजूद है यहाँ और गवर्नमेंट के अंदर में है। ये लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें किसी सरकारी महत्व का अमल दखल नहीं है। जमहूरी निजाम पर कायम है, हर 3 साल में इसका इंतखाब होता है, तो कमेटी इंतजामिया का इंतखाब जो है यहाँ लाइब्रेरी का बोर्ड कामिला बोर्ड मुंतखब करता है और उन्हें काम करने की 3 साल के लिए उनकी मुद्दत कारकर्दगी मुकर्रर की जाती है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे दरबार इस वक्त
प्रोफेसर मोहम्मद रमा खान साहब, मेहमान मसूद साहब, मेहमून फरीद साहब, जया फारूक साहब और रजा दुरानी साहब, साहब मौजूद है और मदर भारती साहब भी हैं जो मेरे यकीनी बहुत करीबी दोस्त भी हैं और यहाँ के जितने भी काम में हैं ये मुख्तारी का 2017 में जो हम पर गुजरी उसका एक जमाना गवाह है। तकरीबन 15,000 किताबें, फर्नीचर, अलमारियाँ, कंप्यूटर सब तबाह हो गए, लेकिन मैंने जी जान से कोशिश की। बहुत से लोगों ने हमें माली इमदाद भी फराहम की और आते जाते भी रहे, हर किसी की सहूलत की। आज तो दूसरे पहली साहब यहाँ मौजूद है। सबसे पहली इमदाद मनोज श्रीवास्तव साहब ने, जो डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने पहली साहिबा के जरिए सबसे पहले इमदादी चेक जो है यहाँ लाइब्रेरी में और दो दिन बाद उन्होंने पहली साहिबा यहाँ का जायजा लेती रही। उसी जमाने में पहली साहिबा की हिमा पर मनोज श्रीवास्तव साहब ने इस लाइब्रेरी को सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक इमारत मुंतकिल करवा दिया था और ये एहतान जारी किए कि सारा रिकॉर्ड वहाँ मुंतकिल किया गया। दूसरे दिन 11 बजे मेरी साहिबा तशरीफ लाई और उस इमारत की लाइब्रेरी मेरे हाथ में उन्होंने दे दी। यहाँ से सारा रिकॉर्ड वहाँ मुंतकिल हो गया। वहाँ हमने तकरीबन 5-6 महीने लगातार काम किया, किताबों की सफाई उनको सफाया और ये सब करने के बाद खैर अल्लाह का शुक्र ऐसा है कि वो जगह ऐसी थी जहाँ ये मैंने महसूस किया कि यहाँ लाइब्रेरी मुस्तकिल कायम नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ का लोकेशन, वहाँ की लोकलिटी ऐसी नहीं थी जो उर्दू अदब से ताल्लुक रखती हो या दिलचस्पी रखती हो। चुनाचे मैंने बहुत सोच समझ के इस लाइब्रेरी को दोबारा यही मुंतकिल किया कि यहाँ हमारी बुजुर्ग खवातीन भी आ जाती हैं और जवानों और भी यहाँ आ जाते हैं आसानी से और यहाँ आकर अपने रिसर्च मुकम्मल करते थे। इस लाइब्रेरी में खास बात यह है कि यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात ने अमली तौर पर हिस्सा लिया है। कैफी आदमी, सरदार जाफरी, साहिर बुद्धिजीवी और दीगर ऐसी कदो पावन की शख्सियत ने इस लाइब्रेरी का ताल्लुक कायम किया। खास तौर से नवाब मंसूर अली खां पटौदी 1971 में यहाँ तशरीफ लाए और लाने के बाद उन्होंने इस लाइब्रेरी की जो पोजिशन देखी तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो है सिर्फ 19x33 की जगह पर कायम है, तो उन्होंने फौरन तकरीबन 2,500 स्क्वायर फीट का इख्तियार इस लाइब्रेरी के नाम रजिस्टर किया और हैंड ओवर कर दिया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो प्लाट जो है कायम नहीं रह सकता, हमारे हाथ से निकल गया। बारह तफसीलात तो बहुत है, बहुत से मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जो कुछ है वो हमारा इबारत का ही मसला है, सबसे अहम मसला जो है। अल्लामा इकबाल ने यहाँ 1934 से 1937 तक 4 बार बयान किया कि सामने जो इमारत दिख रही है आपको, इसकी आखिरी इमारत जो है उसकी पहले है, वहाँ उन्होंने सबसे पहले बयान किया। दूसरी मरतबा भी वहाँ बयान किया और यहाँ उन्होंने जो शायरी की वो सरद कलीम में शामिल थे। और लेकिन बदकिस्मती से वो है उस इमारत को हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया। बहुत कोशिशें हमने भी की, सियासी सतह पर भी एहकाम जारी हुए, लेकिन अमली तौर पर कोई भी उसका मसला हल नहीं होता था। इस वक्त मौजूदा हालात में हमारे पास 80,000 किताबें हैं जिसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनका सारे मुस्तक और पहले क्लास से लेकर हायर स्टडी तक की किताबें हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ जो तलबा हमारे यहाँ स्टडी करने आते हैं उनको हम फ्री ऑफ कास्ट
पूरी सहूलियात मुहैया करते हैं, उससे किसी किस्म के भी माली इमदाद नहीं लेते हैं और न तफरुकात है उसमें कोई भी आकर किसी किस्म का। सेकुलर लाइब्रेरी कितनी है? 80,000। खासतौर से